मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का सेवा में। तो देखिए एक SLRD खड़ा है, ये देखिए एक SLR LHB का, और ये है आपके एयर सस्पेंशन स्प्रिंग सिस्टम। ये LHB का WLLRM जो कि जनरल कार सिस्टम वाला एक SLR है। आज के वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ये एयर सस्पेंशन स्प्रिंग सिस्टम जो SLR है उसके आज जो पैनल जो है DB पैनल बोर्ड जो है उसमें क्या क्या सामान है और उसमें एक एक सामान का बारे में आज बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस DB पैनल बोर्ड में बहुत सारा सामान है और टेस्टिंग पॉइंट कुछ है, कुछ वर्किंग पॉइंट है, तो मैं एक एक पॉइंट दिखाएंगे। ये पैनल बोर्ड जो है ये फेवली कंपनी का है, आप देख सकते हैं दिखा रहे हैं मैं। ये देखिए ये फेवली कंपनी का DB पैनल बोर्ड है। LHB में दो किस्म के आपके पैनल बोर्ड होता है, एक नॉर्बीम्स कंपनी के और एक फेवली कंपनी के। तो आज हम लोग इस फेवली कंपनी में जो सामान बैठा है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में दिखाएंगे कहाँ कौन सा चीज़ बैठा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब रेलवे मैकेनिकल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी होने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। ये DB पैनल बोर्ड में देखिए DB है और दो ऑक्सिलरी रिजर्वर है इसके बगल में, एक और एक 75 लीटर का जो कि आपका टॉयलेट सिस्टम में काम करता है और 125 जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं। ये देखिए ये कंट्रोल रिजर्वर है जो कि SLR के लिए 5 लीटर के लिए होता है, बाकी सब के लिए LHB बाकी ओरिजिनल जो होता है उसके लिए 6 लीटर के लिए होता है। इस DB पैनल बोर्ड में दो किस्म के हवा के प्रेशर आते हैं, एक AP के प्रेशर आते हैं, एक BP के प्रेशर आते हैं। AP के प्रेशर 6 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आते हैं और BP के प्रेशर 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं। इस वीडियो को देने का मकसद है कि ये जो फेवली कंपनी का जो DB पैनल बोर्ड है, देखिए इधर पैनल बोर्ड लिखा हुआ है, ये पैनल बोर्ड इस टाइप में जो सामान बैठा रहता है वो अलग किस्म का होता है, नॉर्बीम्स कंपनी का जो होता है अलग से बैठा रहता है वो अलग किस्म का थोड़ा होता है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। ये आपके DB हो गया, इसमें देखिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं इधर आइसोलेटिंग DB का कॉक है, आइसोलेटिंग कॉक ये हैंडल है और ये रिलीजिंग मैनुअल रिलीजिंग पॉइंट है और ये मैनुअल रिलीजिंग हैंडल है। तो चलिए अभी एक एक पार्ट्स के ऊपर आते हैं। देखिए इधर जो है आपका ये आइसोलेटिंग कॉक है, ये आपके राइट हैंड तरफ का जो ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक, ये अभी ऑन पोजिशन है। ये देखिए ये लेफ्ट साइड का आइसोलेटिंग कॉक, ये हो गया आपका, देखिए इधर आइसोलेटिंग कॉक लिखा है टॉयलेट सिस्टम के लिए, ये आइसोलेटिंग कॉक टॉयलेट सिस्टम के लिए, और उस तरफ में जो आइसोलेटिंग कॉक देख रहे हैं वो एयर प्रेशर के लिए, मतलब AP पाइप का जो प्रेशर होता है उसका आइसोलेटिंग कॉक है। ये देखिए इधर प्रेशर स्विच लिखा हुआ है, ये है प्रेशर स्विच, इसमें देखिए रिले वाल्व लिखा है, ये देखिए टाइम रिजर्वर लिखा है और ये देखिए एयर स्टार्टिंग स्ट्रेनर BP लिखा है, ये टेस्ट पॉइंट BP का लिए लिखा है। मैंने बोला कि इसमें कुछ वर्किंग पॉइंट रहता है और कुछ टेस्ट पॉइंट रहता है, जैसे कि ये देखिए BP टेस्ट पॉइंट है। इधर देखिए एक डेन कॉक है, इनके BP टेस्ट पॉइंट के लिए इधर से डेन कॉक है, इसमें ड्रॉप करने के बाद में आपको टेस्ट, इसमें देखिए लिखा है टेस्ट पॉइंट CR, मतलब कंट्रोल रिजर्व का टेस्ट पॉइंट यही होता है, इधर से होता है। जिस तरीके से आप लोग BP का एयर स्ट्रेनर इधर देखे हैं, इस तरीके से देखिए
इधर एफपी का एयर स्ट्रेनर इधर एक पॉइंट में लिखा हुआ है, ये एफपी का एयर स्ट्रेनर है, इस पॉइंट में लिखा है एफपी का चेक बल्ब। मतलब आप लोग जानते हैं कि डार्ट कनेक्टर रखता है आपके आईसीएम में, इधर जो है ये चेक बल्ब है, ये उसी तरीके काम करते हैं। इधर देखिए एक छोटा सा पॉइंट दिखता है, ये टेस्ट पॉइंट एफपी है, और देखिए इसके अंदर में एक टेस्ट पॉइंट दिखता है, वो है ब्रेक सिलेंडर टेस्ट पॉइंट। जस्ट इसके अंदर में देखिए एक दिखता है, वो ब्रेक सिलेंडर टेस्ट पॉइंट। मतलब कि इसमें इस पैनल बोर्ड में सभी टेस्ट पॉइंट है और वर्किंग पॉइंट भी है। इसमें वर्किंग पॉइंट क्या क्या है देखिए, ये कंट्रोल रिजर्वर जो है ये वर्किंग पॉइंट है। इधर देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर 75 और 125 अंदर से है इनके। इधर देखिए दो ड्रेन कॉक दिखता है इनके, एक ड्रेन कॉक ए है, एक ड्रेन कॉक ओ है। डीबी वर्किंग पॉइंट है, प्रेशर स्विच जो वर्किंग पॉइंट है, ये आइसोलेटिंग कॉक जो आपके ट्रॉली आइसोलेटिंग जो होता है, ये बायां तरफ का ट्रॉली आइसोलेटिंग करता है, ये दायां तरफ का ट्रॉली आइसोलेटिंग करता है। आईसीएफ का सरी इसके अंदर में कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं रहता है। इसमें देखिए आप लोग जब टॉयलेट जाते हैं उसका डोर सिस्टम के लिए देखिए इधर लिखा हुआ है, इस जगह में अच्छा से देखिए, इधर डोर सिस्टम के लिए ये जो आपका प्रेशर बनता है एयर प्रेशर एपी से जाते हैं 6 किलो पर सेंटीमीटर, इसी से आप लोगों को हाइड्रोलिक डोर खुलता है। एक नॉब ये इधर काम करता है, और इस तरफ एक नॉब जो दिखता है लाल, ये नॉब है ऑक्सिलरी रिजर्वर का नॉब, जो कि एपी का जो आइसोलेटिंग कॉक होता है आईसीएफ में अंदर में, ये ब्रांच पाइप सब अंदर से घुसा हुआ है, बाहर में डीबी में इधर से आइसोलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस फेवली कंपनी का आपको जो पैनल है डीबी पैनल बोर्ड जो है आप लोगों को दिखाया, नॉर बीम्स का कभी होने से मैं आप लोगों को दिखाएंगे। और एक काम का चीज़ देख लीजिए, ये आपको जब मैनुअल रिलीज करने पड़ता, ये हैंडल देखिए इसका साथ में लिंक अप है डीबी का साथ में, इसको आप तानेंगे तो डीबी रिलीज होगा मैनुअल। ये देखिए इंडिकेटर है 1-2, और ये है ब्रेक का लिए हैंड ब्रेक का इंडिकेटर है, और ये दोनों और ओरिजिनल आपको इंडिकेटर है जो कि ब्रेक किस रेम में काम करता है, ब्रेक होने से लाल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से आप डीबी पैनल बोर्ड जो है उनके सामने फ्रंट साइड कैसी दिखता है ये शायद समझ पाए हैं। ये था मेरा शॉर्ट अबाउट वीडियो फेबली कंपनी के डीबी पैनल बोर्ड, इसके बाद में नॉर बीम्स के मैं देंगे आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसके बाद में इंतज़ार करिए। उतना तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।